इंटरमीडिएट क्लास के लिए चैप्टर सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स पार्ट टू में आज हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14 है 7.45 ग्राम केसीएल को 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन में केसीएल के मोल प्रभाज की गणना करनी। तो हमने लिखा केसीएल की मात्रा 7.45 ग्राम, विलायक यानी जल की मात्रा 100 ग्राम। केसीएल का अणुभार 74.5 होता है और जल का अणुभार 18। अणुभार इसलिए लिखे गए क्योंकि मोल प्रभाज के लिए दोनों अवयवों के मोल्स की ज़रूरत होती है, तो केसीएल के मोलों के लिए सूत्र लिया गया मात्रा बटे अणुभार और मान रखा गया 7.45 अपॉन 74.5, तो वैल्यू आती है 1/10, जिसको सॉल्व करने पर मिलता है 0.1। इसी प्रकार H2O यानी जल जो कि विलायक है की मात्रा बटे अणुभार 100/18 यानी 5.55। सूत्र आप देख सकते हैं, विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोल बटे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। तो 0.1 और 5.5 को हम इनकी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। वैल्यू 0.1 अपॉन 5.65, डेसिमल हटा लेने पर 10/565, सॉल्व करने पर 0.0176 यानी 0.018। अब यदि आपको किसी सवाल में विलेय का मोल प्रभाज भी ज्ञात करना हो तो इस प्रोसेस से विलेय के मोल प्रभाज को ज्ञात करने का सूत्र प्रयोग करने के बजाय आप विलायक का मोल प्रभाज बराबर 1 - विलेय का मोल प्रभाज यानी इस गिनती को 1 से घटा देने पर विलायक का मोल प्रभाज भी प्राप्त हो जाएगा और आपका कैलकुलेशन टाइम भी बच जाएगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 को आपको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि इस प्रकार है कि यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6%। अब परसेंटेज 100 पर निकलता है, इसका मतलब विलयन में यूरिया की मात्रा 6 ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक है। विलायक यानी जल की मात्रा को यदि 100 ग्राम मान लिया जाए तो यूरिया का अणुभार 60 और जल का अणुभार 18 होता है। तो यूरिया के मोल यानी कि मात्रा बटे अणुभार 6/60 1/10 यानी 0.1 और जल के मोल मात्रा बटे अणुभार यानी 100/18 बराबर 5.55। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न 14 के ही मान हमें पुनः प्राप्त हो गए हैं इस सवाल में, तो इसे भी प्रश्न 14 के समान ही हल कर लेंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि इस प्रश्न में विलायक का मोल प्रभाज भी ज्ञात करना है, तो आप इस सूत्र को एक बार पुनः प्रयोग करें कि विलायक का मोल प्रभाज बराबर 1 - विलेय का मोल प्रभाज। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 17, 18, 19 और 20 भी मोल प्रभाज से संबंधित हैं। जिस पुस्तक का मैं प्रयोग कर रहा हूँ ये नंबर उसके हिसाब से हैं, लेकिन यदि आप कोई और पुस्तक इस्तेमाल करते हैं तो उसके अनुसार भी मोल प्रभाज के प्रश्न इसी तरीके से हल होंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 21 में। यह क्वेश्चन है 20% भारानुसार K2CO3 विलयन की मोललता बताइए। तो K2CO3 की मात्रा 20% है जो कि भारानुसार है, अर्थात 20 ग्राम पदार्थ प्रति 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। तो मोललता ज्ञात करने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है w(1000)/M(W), जहां w को विलेय की मात्रा, W को विलायक की मात्रा और m को विलेय का अणुभार कहते हैं। तो w की जगह 20 प्रयोग करेंगे जो K2CO3 की मात्रा है, पर kg के लिए 1000 इस्तेमाल करेंगे, 138 अणुभार के स्थान पर प्रयोग करेंगे K2CO3 का और विलायक की मात्रा। अब चूंकि विलयन की कुल मात्रा 100 ग्राम है जिसमें 20 ग्राम विलेय है, तो विलायक की मात्रा 100 - 20 यानी कि 80। इस वैल्यू को कैलकुलेट करने पर आपको इस K2CO3 की 20% भारानुसार विलयन की मोललता 1.81 प्राप्त हो जाती है।
अब जो भी प्रश्न इस प्रकार के होंगे या जिनमें मोललता ज्ञात की जानी होगी अथवा भारानुसार मात्रा दी गई हो और मोललता ज्ञात करनी हो, उन्हें इसी प्रकार से हल करेंगे।